अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। किताबें शिताबें पढ़ रहे होंगे, अपने इल्म में इजाफा कर रहे होंगे। और ये मुझे पता है कि आप लोग किताबें पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मेरे चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरे जैसे ही किताबी कीड़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूँ अपने चैनल के बारे में। और वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं, आज से पहले मेरे चैनल के ऊपर ज़्यादातर जो किताबें रिव्यू के लिए पेश की जाती हैं या जो वीडियोस हैं, वो रिवॉल्व करती हैं उर्दू बुक रिव्यूज़, लिटरेचर की किताबों पे रिव्यूज़ हैं, या फिर हिस्ट्री की, शायद इंग्लिश की भी एक दो किताबें हैं जिनका मैंने रिव्यू किया हुआ है। लेकिन एक ख़ास किताब है जिसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ, और वो सेल्फ हेल्प की किताब है। उसका जॉनर ही बिल्कुल कुछ और है, और उसका नाम है द डिप बाय सेथ गोडन। वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके वो देख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं आज की अपडेट के बारे में। वो अपडेट भी इसी से मुतल्लिक है कि मेरी कोशिश है कि मैं अपने इस चैनल के ऊपर सेल्फ हेल्प की सीरीज़ का आगाज़ करूं, और उसके लिए मैं दो किताबें खरीद के ला चुका हूं सेल्फ हेल्प की। ये दोनों किताबें जो हैं, ये बड़ी मशहूर ज़माना किताबें हैं। पहली है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। बड़ी पुरानी किताब है, बड़ी मशहूर ज़माना किताब है, बड़ी घिसी पिटी है किताब है कि हर बंदे के मुंह पे इसका नाम होता है। किताब पढ़ी हो ना पढ़ी हो, यूट्यूब पे को 5 मिनट की वो वीडियोस देख ली हो, और हर कोई इसके बारे में बात करता है। तो एक ये किताब है। मैंने ये क्यों चुनी और मैं इस पे आगे बात करता हूँ। दूसरी किताब जो है वो है द एटॉमिक हैबिट्स। ये है जेम्स क्लियर साहब की, और ये मुकाबलतन तो नई ही किताब है, यानी इतनी पुरानी नहीं है उस किताब जितनी, लेकिन फिर भी काफ़ी मशहूर किताब है। और अक्सर औकात आपको कोई ना कोई बंदा मिल जाता है इसके बारे में बात करने वाला। अच्छा, मेरा मकसद ये है कि इन किताबों को लेके इनको रिव्यू भी किया जाए और इनकी समरी भी पेश की जाए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आसानी से, अगर आप किताब नहीं पढ़ना चाहते, तो आपको रिव्यू उसका समरी मिल जाए। अब ये बात हकीकत है, ये मैं मानता हूँ, इकरार करता हूँ कि इन दो किताबों के और सेल्फ हेल्प की दीगर जो किताबें हैं उन पे बहुत अच्छी अच्छी और बेहतरीन किस्म की वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर। बड़े मायानाज किस्म के यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इनके ऊपर काम किया हुआ है, और उन्होंने अपना ये मवाद जो है वो यूट्यूब पे डाला हुआ है। मगर मेरी काविश ये होगी हमारे चैनल के ऊपर कि मैं इसको पाकिस्तानी बैकग्राउंड, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के तहत इनकी इनकी समरीज बनाऊं, और अगर पाकिस्तान में भी किसी ने रिव्यू किया हुआ है तो फिर मैं उसमें ये ऐड करूंगा कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी समरी बनाने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि इस सिलसिले में कोई इजाफा ही करूं, कोई अच्छा इजाफा करूं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये सेल्फ हेल्प की जो सीरीज का मैंने आगाज का करना चाह रहा हूं मैं आगाज, ये मेरा आइडिया कैसा है, मुझे ये शुरू करना चाहिए और जारी रखना चाहिए या नहीं। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।